बड़ी खबर का कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर में जय विलास पैलेस पहुंचे, जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और महल के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, महान आर्यमन सिंधिया के साथ वो बैठे हुए नजर आए। राजमाता का कुछ दिनों पहले निधन हुआ और उसके बाद अब दिग्विजय सिंह जय विलास पैलेस पहुंचे, माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। वो भी उसका अवसर भगवान को अर्पण कर दे, मुझे इसका बारे में कुछ नहीं चाहिए, मैं सुलभ हो जाता हूँ। अब ऐसा भागवत जी में एक चर्चा आई, भगवान के लिए फल चाहिए मुझे और मुझे मांगने के लिए कुछ है नहीं है। तो ये जो भी हम कर्म करते हैं, उस एक सज्जन ने जो भगवान शंकर के, वो भी उसका अवसर भगवान को अर्पण कर दे, मुझे इसका बारे में कुछ नहीं चाहिए, मैं सुलभ हो जाता हूँ। अब ऐसा भागवत जी में एक चर्चा आई, भगवान के बोले बस फल चाहिए मुझे और मुझे मांगने के लिए कुछ है नहीं है। तो ये जो भी हम कर्म करते हैं, उस एक सज्जन ने जो भगवान शंकर के, तो वो और अब बात आखिरी दौर की लड़ाई की। 72 मैच, 64 दिन और एक क्वालिफायर मैच और एक एलिमिनेटर मैच के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया जब आईपीएल के फाइनल के लिए दूसरी टीम मिल जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुछ ही समय बाद फाइनल में जाने के लिए जंग होगी और दोनों ही टीमों ने कमर कस ली है। चेन्नई के चपाक स्टेडियम में ट्रॉफी के एक कदम करीब पहुंचने के लिए दोनों तैयार हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ही फाइनल में पहुंचकर इनका इंतजार कर रही है। फाइनल की तैयारी के लिए उसकी भी निगाहें इस मैच पर बनी रहेंगी। टूटेंगे रिकॉर्ड, एसआरएच साबित होगा डार्क हॉर्स। फाइनल के लिए जंग, किस पर चढ़ेगा जीत का रंग? राजस्थान का टशन एसआरएच को देगा टेंशन। ये तीन लाइनें कह रही हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। आज कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आज एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है या फिर राजस्थान अंडरडॉग बनकर जीत हासिल कर सकता है। आज मैच नहीं, जंग है। इस जंग में टशन दिखेगा, टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि आज वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था, वो पल आ गया जिसके लिए 64 दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। 72 मैचों के बाद आज दूसरा फाइनलिस्ट मिल जाएगा जो 26 जून यानी आज से ठीक दो दिन बाद कोलकाता से फाइनल में टकराएगा। लेकिन उससे पहले आज होगी चौके छक्कों की बारिश और जब ये बारिश होगी तो मैदान में शोर होगा, हर ओर होगा। मैदान में फैंस अपनी टीम को चेयर्स करेंगे, उधर मैदान पर रिकॉर्ड टूटेंगे, बाहर जश्न होगा। हाई वोल्टेज मैच में वो सब होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार हैदराबाद और राजस्थान जिस तरह प्रदर्शन कर यहां तक पहुंचे हैं, आंकड़े यही कह रहे हैं। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम हैदराबाद ने इस सीजन में 14 मैच खेले और 8 जीते, वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रही। तो वहीं राजस्थान ने इस सीजन के 14 मैच खेले और 8 जीते, राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही। वैसे तो दोनों टीमें इस सीजन में आंकड़ों में एक बराबर हैं, लेकिन हैदराबाद टीम की वो पारियां नहीं भूल सकते जिसमें टीम ने खुद रिकॉर्ड बनाया और अगले मैच में खुद ही रिकॉर्ड भी तोड़े। एसआरएच की टीम ने कोई एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार 200 प्लस स्कोर बनाया है। कोलकाता के खिलाफ 204 रन, दूसरे मैच में मुंबई के खिलाफ 277 रन और फिर बेंगलुरु के खिलाफ अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 287 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। फिर अपने अगले ही मैच में दिल्ली के खिलाफ 266 रन ठोक डाले, राजस्थान के खिलाफ 201 रन बनाकर जीत हासिल की, फिर पंजाब के खिलाफ 214 रनों का पीछा कर 215 रन बनाए और जीत का परचम फहराया। ये आंकड़े कह रहे हैं कि आज अगर हैदराबाद के बल्लेबाज चले तो फिर राजस्थान के गेंदबाजों की खैर नहीं। लेकिन हम राजस्थान को कम नहीं आंक सकते। जब से संजू सैमसन ने टीम की कप्तान संभाली है, टीम डेंजरस हो गई है। इसके पास आज वो खिलाड़ी हैं जो चेन्नई के पिच पर बल्लेबाजों के लिए कहर साबित हो सकते हैं,
क्योंकि चेन्नई की पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है और राजस्थान के पास विश्व के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में शुमार आर अश्विन और चतुर चालाक चहल हैं। यजुवेंद्र चहल 28.44 की एवरेज और 9.48 की इकोनॉमी से 14 मैच में 18 विकेट झटक चुके हैं, तो वहीं आर अश्विन ने 14 मैच में 9 विकेट, साथ ही बल्ले से भी करिश्मा दिखाया है। हालांकि चेपॉक की पिच पर दूसरी पारी में स्पिनर्स को मदद मिलती है, पहली पारी में बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी रहते हैं, चौके छक्कों की बारिश से लाइन लेंथ तक बिगाड़ देते हैं और जब सामने हैदराबाद जैसी टीम के बल्लेबाज हों तो चौके छक्कों की सुनामी लाते हैं, तो फिर सोचिए आज क्या होने वाला है। आंकड़े भी तो यही कहते हैं। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 14 मैच में 30 छक्के जड़े हैं, तो वहीं उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने तो छक्कों की बारिश करते हुए 14 मैच में 41 छक्के बरसाए हैं। छक्कों की बात हो तो क्लासेन को कोई कैसे भूल सकता है, हेनरिक क्लासेन ने 14 मैच में 34 छक्के टीम के लिए जड़े। इन आंकड़ों को देख लीजिए और समझ लीजिए कि अगर आज रनों की सुनामी आ जाए तो हैरान नहीं होना। एक तरफ राजस्थान के बल्लेबाज भी कम नहीं। कप्तान संजू सैमसन 14 मैच में 24 तूफानी छक्के जड़कर टीम को यहां तक लेकर आए, तो वहीं सलामी बल्लेबाज रियान पराग ने 14 मैच में 30 छक्के लगाकर कीर्तिमान बना डाला। एक तो दोनों टीमों में घातक बल्लेबाज और दूसरी तरफ ऐसी पिच जहां रनों की बरसात होती है, मतलब साफ है कि आज जीत कौन दर्ज करेगा ये तो बाद की बात है। हाँ, इतना तय है कि आज रनों की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आएगी और दर्शकों का पैसा वसूल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो भले ही मैंने क्रिकेट से बहुत प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखी हो, पर दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खेल को बहुत करीब से, बहुत करीने से जानते हैं। अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको भले ही खेल संवाददाता नजर आएगा पर मेरी नज़र में ये सर्जन हैं, जैसे एमडी सर्जन होते हैं। और वैभव आपको न्यूज रूम से नजर आ रहे होंगे। वैभव बहुत बारीक नज़र रखते हैं पिच से लेकर और बॉल की स्पीड तक के बारे में, अगर आपको जानकारी चाहिए होती है वैभव सबसे विश्वस्त होते हैं। लेकिन सबसे पहले अमृत आनंद, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या आज के चुनाव के वो की फैक्टर हैं जो टीम को जिताएंगे, क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो ज़रा समझाइए। देखिए, आज का जो मुकाबला है ना वो तय करने वाला है कि भैया शाहरुख खान के नाक में दम कौन करेगा, क्या वो राजस्थान रॉयल्स होगी या फिर वो हैदराबाद की टीम होगी। और जो आज स्पेशल फैक्टर की आप बात कर रहे हो ना कि मैं क्या चूज करूं, तो मैं कहूंगा कि स्पिन डिपार्टमेंट, क्यों चेन्नई की जो पिछले कुछ मैचों से अगर आप देखो तो स्पिन डिपार्टमेंट को काफी फायदा दे रही है। और राजस्थान रॉयल्स के पास दो ब्रह्मास्त्र हैं, एक अश्विन नाम का, दूसरा युजवेंद्र चहल नाम का, जो कि हैदराबाद की बल्लेबाजी को परेशान कर सकता है। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास ना एक डेडली कॉम्बिनेशन है, स्पिन अच्छा उसके पास है, फास्ट अच्छा उसके पास है, पेसर्स को पता है कब स्लो गेंदबाजी का उपयोग करना चाहिए। हैदराबाद के लिए आज रात थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। हाँ, बल्लेबाजी उनकी तूफान वाली है। आज सबसे ललित मैं कहूंगा ना कि आज दोनों कप्तान होंगे ना तो ये सोच रहे होंगे यार टॉस आज मैं हार जाऊं, सामने वाला टॉस जीत जाए, वो जो कॉल ले उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। क्योंकि अगर हम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें, रन नहीं बन पाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। आपको जीतना है तो स्कोर बोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 प्लस के आंकड़े रखने होंगे, 200 प्लस के आंकड़े रखने होंगे। वैभव भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। वैभव, आज के मुकाबले को लेकर क्या कुछ आपको नजर आता है और आज जब टॉस होगा तो कौन क्या चाहेगा जीतने के बाद? वैभव बिल्कुल ललित, अगर आज जीतते हैं टॉस तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि बल्लेबाजी चुने, क्योंकि चेपॉक में देखा गया है 45 मुकाबले जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी वो जीती है। और ये भी देखा जा सकता है जैसा अमृत बता रहे थे कि बाद में विकेट जो है वो स्लो होता है और गेंदबाजों को मदद मिलती है और खास करके स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो अगर राजस्थान को जीतना है तो पहले बल्लेबाजी करें, बड़ा स्कोर लगाएं और उसके बाद उनके पास यूजी चहल हैं और आर अश्विन है स्पिनर्स के रूप में, तो अच्छी गेंदबाजी हो सकती है। और क्योंकि अगर देखिए SRH को हमने ये भी देखा है कि चेजिंग में उतना अच्छा इस टीम ने इस IPL परफॉर्म किया नहीं है, क्योंकि कमज़ोर हल्की सी गेंदबाजी SRH की नज़र आती है कंपैरेटिवली राजस्थान रॉयल्स के। तो अगर SRH पहले बल्लेबाजी करता है तो बड़ा स्कोर लगा देगा, उसके बाद विकेट धीमा होता जाएगा तो राजस्थान के लिए मुश्किल होगी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, रियान पराग हैं, संजू सैमसन है, दोनों 550 से ऊपर रन बना चुके हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। और रियान पराग के कमबैक की कहानी तो देखिए बहुत ही गजब है, वो उनका ट्वीट याद आता है जो उन्होंने लिखा था कि एक ही ओवर में 4 छक्के मारते हुए नजर आ रहा हूँ, खुद को IPL में देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद पूरी तरह से उनका सीजन फ्लॉप हो गया।
दबा के लोगों ने ट्रोल किया, सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हुए, उसके बाद लेकिन कमबैक किया इस साल, 550 से ऊपर रन है। एक ही शेर याद आता है कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में कई बार लोग गिरे, तो वो कमबैक की कहानी रियान पराग ने लिखी है। और ये भी देखा जा सकता है कि अगर संजू सैमसन फ्रंट से लीड करें तो ये टीम अच्छा कर सकती है, और एक समय तो टेबल टॉपर थी राजस्थान रॉयल्स, तो मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन अगर पहले बैटिंग कर लेती है राजस्थान रॉयल्स तो कहीं ना कहीं एडवांटेज राजस्थान के पक्ष में है। जी जी जी, तो शायरी के अंदाज में आपने ये भी देखा, मुकाबले को लेकर देखा आपने। अमृत, आपसे ये समझना चाहेंगे किन खिलाड़ियों पर आज ज्यादा नजर रहेगी, या वो कौन से खिलाड़ी हैं जो मतलब सब कुछ बदलने का मादा रखते हैं, पहले खिलाड़ियों के एंगल से फिर अगला सवाल। जी देखिए ललित, मैं कहूंगा कि वैभव की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जिस जिनके क्योंकि अश्विन है जिस तरह के फैक्टर उनके पास है ना, अश्विन और चहल, ये गेंदबाजी में बहुत बड़ा की फैक्टर है। पराग की जो बात की ही है इसमें वैभव ने, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वैभव जो नाम ले रहे हैं खिलाड़ियों का वो बिल्कुल टॉप पर है। जो फैक्टर है ट्रैविस हेड, ट्रैविस हेड अगर हैदराबाद रन बनाती है तो ट्रैविस हेड का चलना बहुत जरूरी है, उनका और अभिषेक शर्मा दोनों अगर नहीं चलेंगे तो स्कोर बोर्ड पर रन नहीं बनेंगे, ये हम देखते चले आए हैं। तो आज मैं कहूंगा ट्रैविस हेड को पहले एक ओवर संभल कर खेलना होगा, पिछले दो मैच से वो बोल्ड हो रहे हैं लगातार अंदर वाली गेंदों पर, बाहर जा रही जो गेंदे उनको है परेशान कर रही है, तो थोड़ा संभलना होगा, ये दोनों संभल गए फिर आप राजस्थान के नाक में दम कर सकते हो। जी जी जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अमृत आपसे, कि थोड़ा सा इस स्टेडियम के बारे में या क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह की ये पिच है, किससे ये ज्यादा सपोर्ट कर रही है। मैं कहूंगा हैदराबाद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है चेन्नई के स्टेडियम की अगर हम बात करें, मुझे जहां तक याद है 10 मुकाबले खेले हैं और शायद 8 या 9 में उन्हें हार मिली है, तो मतलब लकी ग्राउंड नहीं है। लेकिन क्रिकेट में ना ललित एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आपने क्या किया अब तक मैटर नहीं करता। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये बात मुझसे कही है रोहित शर्मा ने, एम एस धोनी ने कई बार मुझसे बोला है फील्ड मिलकर, यार छोड़ो ना स्टैट्स, तुम लोग याद रखो स्टैट्स में फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि हमारी गेम प्लानिंग क्या है। तो जो आज गेम प्लानिंग बेटर लेके जाएगा वो कोलकाता से फाइनल में भिड़ेगा। तो जो आज बेटर गेम प्लानिंग के साथ जाएगा वही कोलकाता के सामने भिड़ता हुआ नजर आएगा। वैभव, क्या आपको भी यही लगता है कि बेटर प्लानिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी लक जैसे फैक्टर भी कुछ हो जाते हैं? वैभव नहीं, बिल्कुल अमृत की बात से सहमत हूँ, बेटर प्लानिंग ही आपको जता सकती है, क्योंकि अगर लक का काम होता तो आरसीबी भी 6 मुकाबले जीत करके आई थी लेकिन एलिमिनेटर में बाहर हो गई, और फिर वही कहानी हुई, वो हताश चेहरा निराश चेहरा विराट कोहली का नजर आया, वो 16 सालों का इंतजार जारी है, तो बेटर प्लानिंग ही आपको जताएगी आज। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका, वैभव आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इन तमाम चीजों को हमारे दर्शकों को समझाया। आखिरी दौर की लड़ाई है और उससे हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से उसके अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। चौबीस का चुनावी रण, मतदान का छठा चरण, 8 सूबे, 58 सीटें, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज 18 की नजर, आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महाकवरेज 25 मई सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।